तो मैंने भी भाई एक वीडियो देखा जिसमें देवेंद्र भाई ने बोला है इस चीज के, आसिफ भाई हैं वडोदरा से, उन्होंने आवाज उठाई इस बारे में, और मुझे भाई इन भाइयों का वीडियो देखने के बाद ही इंस्पिरेशन मिली है। अब मैं भी ड्राइवर भाई को इस तरीके की बात बताऊं, क्योंकि भाई मेरा भी वीडियो कुछ बंदे देखते हैं और हम आपस में एक दूसरे इसी तरीके से साथ देंगे तो ही बात बनेगी। तो धन्यवाद आसिफ भाई का और देवेंद्र भाई का जिन्होंने इस तरीके के टॉपिक पे बात करी है। तो राम राम भाई सारे भाइया ने, आज सामने आया हूँ आपके बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके, बड़ा ही एक पोल पट्टी खोलने वाला हिसाब किताब, जिसमें बहुत सारे ड्राइवर भाई फोन करते रहते हैं, भैया कंपनी में कहाँ अटैच करें गाड़ी, कहाँ अटैच करें, कैसे के चलाएं, नई गाड़ी ली है। अरे भाई क्या बताएं, कहाँ करो, कंपनियों के बारे में बता दिया ना, जो जो कंपनियों के भरोसे हम गाड़ी ले लेते हैं थोड़े दिन में निबट जाएगा मामला, क्योंकि रेट ही इतना खतरनाक दे रहे हैं। तो भाई बात करेंगे आज इसी चीज के बारे में, इन कंपनियों के बारे में जो एकदम कतरों खून निचोड़ने पर लग रही हैं ड्राइवर का, बहुत बुरा हाल, कोई सोच नहीं सकता आप कि कल्पना से परे के रेट दे रही हैं कंपनियां, जो कि ड्राइवर भाई इस लाइन में नहीं आया है ना, अगर वो ये वाला वीडियो देख लेगा तो गाड़ी लेना है छोड़ ही देगा, क्योंकि रेट इतने जबरदस्त हैं, रेट इतने खतरनाक दे रहे हैं कि ये गाड़ियां बिकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके अपने पर्सनल लिंक नहीं है पैसेंजरों के साथ, या आप फिर वो तरफदारी वाली बात आ जाएगी, ओला उबर में गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, तो तकाजे दे निमट जाएगा मामला। भाई इतना बुरा हाल मचा रखा है और कोई बोलने वाला नहीं, आप देखते होगे हमेशा हाय हाय ओला, हाय हाय उबर, बर्बाद कर दिया, निचोड़ दिया, ये कर दिया, हमेशा देखते होगे ये कर दो वो कर दो, एकता दिखाओ, मगर जो असली खून जो निचोड़ रही है ना कंपनियां, जो एकदम निमटा देंगी एक दिन सब क्या है को, उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। मैंने कई बार सोर्स डाले हैं इन कंपनियों के अगेंस्ट में, मगर भाई जब तक आप सारे साथ नहीं होगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, इनके जो रेट हैं मार्केट के अंदर जो ड्राइवर को दे रहे हैं, जिनके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं काम दे के, तो आप खुद समझ जाना क्या इनका यार सोच है, कैसे इसको, इनको ड्राइवर की से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ बचो ना बचो, आपकी गाड़ी की किस्तें जाएं ना जाएं, कोई मतलब नहीं कंपनी को, कंपनी को सिर्फ अपना मोटा कमीशन ले लेना है, ड्राइवर मरता रहो, पैसेंजर के साथ भिड़ता रहो, कोई भी फर्क कंपनी को नहीं पड़ता इन चीजों से। ऊपर से आपने डिमांड कर भी दी है ड्राइवर ने पैसेंजर से थोड़ी बहुत, तो पैसेंजर कंप्लेन डाल देगा, आपको ब्लैक लिस्ट और कर देगा, जो थोड़ा बहुत किराया भाड़ा मिल रहा है जिससे घर खर्च चलने की उम्मीद है, चलने नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं चलने हैं जो रेट कंपनी दे रही है मैं जो भी आपको दिखाऊंगा, मगर फिर भी ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं। अभी मैं कोई भी पैसेंजर छोड़ूंगा, चाहे मेरी कोई गलती नहीं, चाहे मैंने एक बार हाय हेलो भी नहीं किया, चाहे मैंने बात भी नहीं करी पैसेंजर से, और पैसेंजर ने कमेंट डाल दिया कि ड्राइवर का व्यवहार अच्छा नहीं है, गाड़ी साफ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, तुरंत आपका पैसा माइनस, एक बार आपसे फोन करके नहीं पूछा जाएगा कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेंट आई, आपने कुछ बोलना, ऊपर से ये समस्या। रेट के बारे में दिखा दिया आपको, जो जो भाई इन कंपनियों में चला रहे हैं ना उनको तो पता ही है कैसे खून निचोड़ा जा रहा है, मगर जो भाई अभी नए हैं इस लाइन में या जो इन कंपनियों में नहीं चला रहे उनको रेट दिखा दूंगा, तो आपको तो इंसानियत के नाम से ही विश्वास उठ जाएगा, काम के नाम से तो छोड़ो। तो भाई कंपनियों का नाम तो क्या बताऊं यार मैं, मगर फिर भी बताना पड़ेगा यार, ऐसे कब तक दबवाल रहेंगे। सवारी कंपनी सबसे बड़ी चोर, ये देख लो रेट, 8 घंटे 80 किलोमीटर अर्टिगा कार का 1676 रुपए कंपनी पे कर रही है। भाई क्या एहसान कर रहे हो यार, 8 घंटे 80 किलोमीटर का 1676 रुपये, बताओ अब ये छोड़ो,
कम से कम दिल्ली दिल्ली में रहना, 225 किलोमीटर आगरा वन वे 1678 रुपये, क्या रेट पड़ गया बताओ, 7.45 रुपये पड़े होगा शायद, 7.5 रुपये से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। और इससे भी और अचंबा, टोल स्टेट टैक्स ड्राइवर टीए सब कुछ आपका, सब कुछ आपका 450 रुपये यमुना एक्सप्रेस वे से टोल लगता है, 120 रुपये आपका लगेगा स्टेट टैक्स। बाई चांस हरियाणा से लेके चले गए वाया फरीदाबाद होते हुए तो 100 रुपये हरियाणा का टैक्स। अब 225 किलोमीटर में मिनिमम भी सीएनजी अगर आप 2.5 रुपये का 3 रुपये का मान के चलो तो कितनी लग जाएगी, 700 रुपये के आसपास, 600 भी तो कन्फर्म है, तो 600 और 450 रुपये हो गया टोल, 1050, 100 रुपये हो गया हरियाणा टैक्स, 1150, 120 रुपये हो गया यूपी का टैक्स, 1270 रुपये का आपका खर्चा है, पेमेंट मिल गया 1678 रुपये, 1678 रुपये पेमेंट मिल रही है जिसमें 1270 रुपये आपका खर्चा है बाबूजी, वो भी बिना खाए भूखे पैसे मरते रहो आप। अगर 150 रुपये का आपने खा लिया, ऊपर से कुछ गुटखा बीड़ी का शौक है तो वो भी निमट गए, सेम पोजीशन वहां से वापसी में होनी है, दिल्ली से आगरा के लिए 1678 आपको दे रहे हैं, वापसी में आपको 3000 दे देंगे, तो खर्चे तो वापसी में भी सेम है। हाँ, अगर सेम डे आपको ट्रिप मिल गई तो वो स्टेट टैक्स आपका बचता है सिर्फ 200 रुपये, 220 रुपये वो बच जाएंगे, उसमें से भी 100 रुपये एमसीडी ठुक जाएगा दिल्ली में घुसने में। तो आप बता दो इन कंपनियों का विरोध जरूरी है या किसी और कंपनी का जिससे कम से कम प्रति किलोमीटर एक 10 रुपये के आसपास अर्टिगा में 16-17-20 रुपये तक का मिलता है, उन कंपनियों का विरोध करना जायज है। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं भाई किसी की भी, क्योंकि ये टैग अपने ऊपर पहले से लगा हुआ है, ओला उबर के वफादार हो तुम भाई, बात ओला उबर की नहीं है, बात कम से कम इन चोरों से तो अच्छा रेट दे रहे हैं ना, वन वे की ट्रिप में टोल टैक्स एक्स्ट्रा देता है कंपनियों के अलावा, जिन कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव रैपिडो में तो आउटस्टेशन है नहीं, इन कंपनियों के अलावा जो ये तीन कंपनियां है ना रैपिडो को छोड़ के ओला उबर इन ड्राइव आउटस्टेशन में अच्छा खासा रेट भी देता है, प्लस टोल और स्टेट टैक्स ड्राइवर का टीए और अगर नाइट हो जाती है तो ड्राइवर नाइट अलाउंस भी अलग से देता है। हाँ, वापसी की बुकिंग मैं नहीं श्योर हूँ इस बारे में, वापसी की बुकिंग आपको कंपनी दे देती है, मगर आसपास से तो वापसी की भी आ जाती है भाई। यार इन कंपनियों ने अति कर रखी है, 8 घंटे 80 किलोमीटर 1676 रुपये, 225 किलोमीटर वन वे ट्रिप विद ऑल इंक्लूड टोल स्टेट टैक्स सब कुछ 1678 रुपये। अरे यार की तो शरम वरम बची ना, साला पाट दिया यार। और एक और इसकी गुरु एक और देख लो, यहां से ड्यूटी उठा के वहां डाल दी, उसमें 200 रुपये अपना काट दिया, यही 1678 वाली बुकिंग आपको 1478 में डाल देगा और वो भी बुकिंग उठ जाएगी। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर ही दी है, पर हम में से बहुत सारे ड्राइवर भाई इनसे भी बड़े बेशर्म हो गए हैं जो वो 1500 रुपये की बुकिंग उठाकर आगरा पहुंच जाते हैं। तो भाई कंपनियों की भी गलती ना हुई ना इसमें तो, अरे करो ना अनइंस्टॉल, इन कंपनियों के भरोसे गाड़ी थोड़ी ना ली थी भाई, जिन कंपनियों के भरोसे शुरुआत में गाड़ी ड्राइवर लेता है ना उनके खिलाफ तो हम खड़े हो जाते हैं जाके, और जो ये कति शोषण कति निचोड़ रहे हैं सब क्या है ना इनके ऐपो में आप काम कर रहे हो। ओला उबर भी कोई कमी थोड़ी छोट है, वो भी कमीशन पूरा ले रहा है, मगर कुछ हद तक फेर ठीक ठाक देता है। अब एक गोजो कंपनी का स्क्रीनशॉट देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट देख लो, 500 किलोमीटर की लिमिट दे रहे हैं आपको, 3812 रुपये किराया, नोएडा हरिद्वार ऋषिकेश वापस नोएडा, भाई साहब को लेना है घुमाना है पैसेंजर को, पैसेंजर की कोई गलती नहीं है, पैसेंजर पूरा पे कर रहा है कंपनी को, पूरा दबा के रेट कंपनी लेती है, मगर हम बैठे ना यार बावली बूझ, हम बैठे ना मूर्ख, जो रेट डाल दिया गप देसी, एक सेकंड मैं कह रहा हूं 2 मिनट के अंदर सारी ड्यूटी उड़ जाती है भाई इतने कम रेट में, ये सोच लो। एक भाई का मैंने वीडियो देखा है, देवेंद्र भाई का, हमेशा ड्राइवर के लिए खड़े रहते हैं,
और भाई का शुक्रिया करता हूं इस चीज के लिए, उन्होंने भी यही बोले हैं और शायद मुझे भी इंस्पिरेशन वहीं से मिली है इस तरीके का वीडियो बनाने की। अरे भाई कंपनी तो रेट डाल रही है, तुम क्यों उठा रहे हो भाई, गालो धक्के हो जाओ ऊपर में, पर इन कंपनियों को तो सबक सिखा के दिखा दो एक बार। इन इनके इनके भरोसे तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है, इनको तो पता चल जाए ना। पर कदे भाई विक्की खत्री ने ड्यूटी दिख जाए 1300 वाली ड्यूटी, कदे वो उठा ले तुम 1250 में उठा लो, कदे भाई फलाने भाई ने यह ड्यूटी दिख जाए उससे पहले तुम उठा लो, तो भाई साहब कती हद हो रही है। इन कंपनियों पे तो ताला हम सारे ड्राइवर भाई यूं लगवा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन तो है ही ना यार, अल्टरनेट है हमारे पास, वहां चला लो। एक महीने की तो बात छोड़ो, 10 दिन एक हफ्ता बुकिंग मत उठाओ, जो जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं तभी नहीं चलेगा भाई, ऐसे ऊपर जाएगा रेट। और अभी देख लेना अगले 1.5 महीने में कितना जबरदस्त रेट डलने वाला है, क्योंकि कमी मारी है भाई, ड्यूटी डलते गप लो, रेट वेट देखना नहीं, बस ड्यूटी आ गई ठालो जी। अरे भाई बचा के क्या ले आओगे, ये देख जो 2 दिन घर से बाहर पड़ा रहेगा, 3812 रुपये में 2 दिन के लिए घर से बाहर पड़ा रहेगा, CNG भी फूकता होगा कुछ 1200-1500 रुपए की 500 किलोमीटर में, 2 दिन की कमाई, ना टीए देना कंपनी ने, टीए भी नहीं है, तो बता दो भाई। और एक कंपनी और है कैब बाजार, उसकी तो स्टोरी अलग है, वह तो सबसे बड़ी चोर है। आज आपने ड्यूटी उठा ली है, ना कोई उसका बैकअप है ना और कुछ है, सिर्फ ऐप के थ्रू ही जो कुछ है, ना कोई फोन नंबर है ना, ये तीनों कंपनियों का है मगर सवारी का कुछ कॉन्टेक्ट नंबर रहता है कंपनी, तो भाई इतनी अति मचा रखी है। गोजो सवारी और कैब बाजार कर दो आज ही अनइंस्टॉल यार, कौन से इनके भरोसे गाड़ी ले रहे हैं, जिनके भरोसे ले रहे हैं उनके खिलाफ हड़ताल करते हैं तो इनके खिलाफ भी करो भाई। और जैसे देवेंद्र भाई ने बोला, रेट हमारा बढ़वाना हमारे हाथ में है यार, सवारी पैसा देने में दिक्कत नहीं कर रही है, सवारी तो कंपनी को भी पैसा दे रही है ना, तो सवारी को तो पैसा देने में इश्यू ही नहीं है, इश्यू है सिर्फ कंपनी का अपने साथ। कंपनी हमें कम से कम रेट देती है, हमको काम कर देते हैं कंपनी, ये जो रेट डल रहे हैं ना यार, ये 2200-1680 ये रेट 8 घंटे 80 किलोमीटर का, आज से 2 साल पहले की ही बात बता रहा हूं, 2500 रुपए तक था, और आउट सेशन का 3500 रुपए अर्टिगा का था, और 3000 रुपए सेडान कार का था, जो कि आज 2000 रुपये 1678-1678 रुपये वन वे के डल रहे हैं, सर्वे 2 साल पहले की बात है। पर कंपनी ने देखा ये कम्युनिटी तो भाई कभी भूखी मरे, इनने तो बस अपने में लूट लाट लो इनको तो, और सच भी सोच रही है भाई, क्या गलत सोच रही है यार, जिस तरीके की बेशर्मी हम दिखा रहे हैं ड्यूटी करने में, 1678 रुपए में आगरा चले जाओ, 1350 रुपए में मथुरा, और अभी मैं बुकिंग बताऊंगा फोन करके, 3000 मिल रहे हैं भाई आगरा के जाने के, अरे नहीं भाई ये तो बहुत कम है, इसमें क्या होगा, वापस खाली भी आना पड़ेगा, अरे कंपनी की भाज भाज ड्यूटी उठा लो 1678 रुपये में, मेरी ड्यूटी मत करो, मेरे पास कौन सा खजाना, मैं खुद धक्के खा रहा हूं, मैं खुद ड्यूटी ढूंढता फिरता हूं, ये तो शुक्र है ऊपर वाले का जो पुराने इतने दिन काम करते हो गए हैं, और जिन कंपनियों में मैं काम करता हूं वही पैसेंजर जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से भाई 2 रोटी आप सब की दवाओं से और उन पैसेंजरों की वजह से आ रही हैं घर में, मगर इन कंपनियों से तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। गोजो सवारी कैब बाजार, बढ़िया रेट की ड्यूटी उठानी तो उठाओ, ना तो कम रेट की ना देखो ही मत भाई साहब, हफ्ते में आंख बार आ जाएंगी इनकी, हफ्ते में जब कोई ड्यूटी उठेगी नहीं फटाफट कैंसिल होगी, सारा एडवांस वापस करना पड़ेगा। तो भाई चलो ये थी एक रिक्वेस्ट आपसे, मानो तो हमारा भला हो जाएगा कि फ्यूचर में, ना मानोगे तो भाई ये अभी 1678 रुपये की जगह पे 1378 रुपये आ जाएंगे अगले 1.5 साल में, ये अपना शोषण करवाते रहो और अपना हाय हाय करते रहो, मर गए काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया आएगी और थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस तरह कम रेट की ड्यूटी ना उठाएं। मिलेंगे आपसे अगले किसी ब्लॉग में, अपने भाई को दे दो इजाजत, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद जय भारत।